लातेहार जिला के महुआडार प्रखंड परिसर पर अनुमंडल पदाधिकारी नित्य निखिल सुरीन की अध्यक्षता में अधिकारी व राजनीतिक दल बुद्धिजीवियों के साथ बैठक कर गणतंत्र दिवस के आयोजन व कोविड नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों व बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की। अनुमंडल पदाधिकारी नित्य निखिल ने कहा कि कोरोना के बढ़ते दुष्प्रभाव को देखते हुए स्कूली बच्चों द्वारा सुबह में निकाले जाने वाली प्रभात फेरी का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही गणतंत्र दिवस के दिन मुख्य कार्यक्रम झंडोत्तोलन एवं परेड के दौरान भी सामाजिक दूरी का खासा ख्याल रखा जाएगा। झंडोत्तोलन का समय निर्धारित में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। सभी शिक्षण संस्थान में विद्यालय के प्राचार्य द्वारा झंडोत्तोलन किया जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी ने निखिल ने कहा कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अधिकारी कर्मी एवं पुलिस पदाधिकारी कर्मी सभी को कोविड टीका लेना अनिवार्य होगा। साथ ही गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की भागीदारी ना हो इस हेतु भी संबंधित अधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी नित्य निखिल द्वारा उचित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वजन पेंशन योजना, पेट्रोल सब्सिडी, प्रोजेक्ट पंछी, सुरक्षित गांव, हमारा गांव से संबंधित झांकियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से अनुमंडल SGPO राजेश कुजूर, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेन डांग, सर्किल इंस्पेक्टर धर्मदेव पासवान, थाना प्रभारी आशुतोष यादव, चिकित्सा पदाधिकारी अमित कुमार खलको, राजकुमार ठाकुर रंजन, बीस सूत्रीय प्रखंड अध्यक्ष अभय मिंज, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य मोहम्मद मुस्तकीम, राम नरेश ठाकुर, मोहम्मद मजहर खान, अरुण कुमार सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड सचिव मोहम्मद शहीद उर्फ भोलू समेत अन्य लोग उपस्थित थे। लातेहार से बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।